हेलो फ्रेंड्स, अमेरिकी यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 खत्म हो गया, यानी कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। और इसमें जो है मेन सिंगल्स का खिताब जो है डेनियल मेदवेदेव ने जीत लिया है। उन्होंने जोकोविच को हरा करके यह मेन सिंगल को जीत लिया है। तो इसमें जो है पूरी जानकारी को एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसमें कौन है विनर और कौन है उप विनर यानी उपविजेता, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, यह कब से कब तक हुआ था और कहाँ हुआ था, ये चीज़ को भी मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ से जितने भी सारे जो जानकारियाँ हैं वो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन लगातार पूछे ही जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अब इन सारी चीज़ों को देखते हैं। यूएस अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021, यह साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम था और यह 30 अगस्त से 12 सितंबर के बीच खेला गया और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, यह साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम था और इसको 30 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर के बीच में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में खेला गया। अब बात करते हैं इसमें जो है कौन विजेता है, कौन उपविजेता है, यानी कि मेंस सिंगल्स में, वुमेन्स सिंगल्स में, मेंस डबल्स में, वुमेन्स डबल्स में और मिक्स्ड डबल में। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, इनके बारे में अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेंस सिंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं, और उपविजेता हैं नोवाक जोकोविक, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर मेंस सिंगल यानी कि पुरुष एकल के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव रूस के, और उपविजेता हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं। वुमेन्स सिंगल्स में बात करते हैं यानी कि महिला एकल में, तो विजेता हैं एमा रोडुकोनु जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, और उपविजेता हैं लीला फर्नांडिज, ये कनाडा की हैं। तो महिला एकल यानी कि वुमेन्स सिंगल्स के हैं विनर एमा रोडुकोनु इंग्लैंड के, और उपविजेता हैं लीला फर्नांडिज कनाडा के। अब मेन्स डबल यानी कि पुरुष युगल में देखते हैं, तो इसके जो विनर हैं यानी कि जो विजेता हैं वो हैं राजीव राम और जो सेल्सबरी। तो राजीव राम अमेरिका के हैं और जो सेल्सबरी हैं ब्रिटेन के। तो ये दोनों पुरुष युगल के विनर हैं। और इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने हराया है जेमी मूरे और ब्रूनो सोरेस को। तो जेमी मूरे जो हैं वो ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं और ब्रूनो सोरेस जो हैं वो ब्राज़ील के। तो ये दोनों उपविजेता हैं और राजीव राम प्लस जो सेल्सबरी ये दोनों विनर हैं। विमेन्स डबल्स की बात करते हैं यानी कि महिला युगल की बात करते हैं, तो इसमें जो विनर हैं वह हैं समंथा स्टोसुर और झांग सुवेई। तो समंथा स्टोसुर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की हैं और झांग सुवेई जो हैं वह चीन की खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों विनर हैं और इन्होंने कोको गॉफ प्लस केटी मैकनली को हराया है। तो यानी कि कोको गोफ जो है अमेरिका की खिलाड़ी और केटी मैकनेनी जो है वह है अमेरिका की खिलाड़ी, ये दोनों अमेरिकन हैं। तो इनको हराए हैं ये समंथा स्टोसुर और झांग सुवेई। तो ये दोनों विजेता और उपविजेता हैं, आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं बात करते हैं मिक्स्ड डबल की यानी कि मिश्रित युगल की। तो यहाँ पर जो विनर हैं, जो विजेता हैं वह हैं डिजायर क्रोजेक प्लस जो सेल्सबरी। तो विजेता यानी कि विनर हैं डिजायर क्रोजेक जो अमेरिका के हैं और जो सेल्सबरी हैं ब्रिटेन के। इन्होंने हराया है जूलियाना ओल्मस को प्लस मार्सेलो ओवलो को। तो जूलियाना ओल्मस जो कि है मेक्सिको की खिलाड़ी प्लस मार्सेलो ओवलो जो है वह अल सलवाडोर के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों ने विजेता जो है डिजायर क्रोजेक और जो सेल्सबरी से हार करके उपविजेता बन गए हैं। तो आपको इतनी सारी जानकारी को जो ध्यान रखना है, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह सिंगल्स से पूछे जाते हैं यानी कि मेंस सिंगल्स और वुमेन्स सिंगल्स से। तो आपको ये नाम को याद रखना है, आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि यहाँ से ही करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी जो है यूएस अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के जो मेंस सिंगल्स के खिताब मिला है जिनको, उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, और वुमेन्स सिंगल्स जो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के जिसको मिला है उनका नाम है एमा रोडुकोनु जो कि है लंदन इंग्लैंड के खिलाड़ी।